साथियों, पश्चिम बंगाल के विकास के लिए केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है। विशेष तौर पर गरीबों, दलितों, वंचितों, शोषितों और पिछड़ों के विकास के लिए समर्पित भाव से अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लगभग 90 लाख गरीब बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन मिला है। इसमें भी 35 लाख से अधिक बहनें दलित और आदिवासी परिवार से हैं। जैसे ही राज्य सरकार आयुष्मान भारत योजना, पीएम किसान सम्मान निधि के लिए स्वीकृति दे देगी, मैं नहीं जानता हूं देगी कि नहीं देगी, लेकिन अगर दे देगी तो यहां के लोगों को इन योजनाओं का लाभ भी मिलने लगेगा। और वैसे मैं आपको बता दूं कि आयुष्मान भारत के तहत देश के करीब करीब 75 लाख गरीब मरीजों को गंभीर बीमारी की स्थिति में मुफ्त इलाज मिल चुका है। और आप कल्पना कर सकते हैं, जब गरीब बीमारी से जूझता है तब जीने की भी आस छोड़ देता है, और जब गरीब को बीमारी से बचने का सहारा मिल जाता है तो उसके आशीर्वाद अनमोल होते हैं। आज मैं चैन की नींद सो पाता हूं, क्योंकि ऐसे गरीब परिवार लगातार आशीर्वाद बरसाते रहते हैं। इसी तरह पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के 8 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खाते में लगभग 43,000 करोड़ रुपए, 43,000 करोड़ रुपए सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उनके खाते में जमा हो चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, कोई सिंडिकेट नहीं, और जब सीधा पहुंचता है कट मिलता नहीं, सिंडिकेट का चलता नहीं, ऐसी योजना कोई क्यों लागू करेगा? देश के 8 करोड़ किसानों को इतनी बड़ी मदद, लेकिन मेरे दिल में हमेशा दर्द रहेगा। मैं हमेशा चाहूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि नीति निर्धारकों को ईश्वर सद्बुद्धि दे, और
और गरीबों को बीमारी में मदद के लिए आयुष्मान भारत योजना और किसानों की जिंदगी में सुख और शांति का रास्ता पक्का हो इसके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मेरे बंगाल के गरीबों को मिले, मेरे बंगाल के किसानों को मिले। और बंगाल की जनता का मिजाज मैं जानता हूं, भलीभांति जानता हूं। बंगाल की जनता की ताकत है कि अब इन योजनाओं से लोगों को वंचित कोई नहीं रख पाएगा।